बॉलीवुड का मशहूर एक्टर ऋतिक रोशन का जन्म 10 जनवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया था, जिनमें शामिल है क्रिश, वार, विक्रम वेदा, बैंग बैंग, कहोना प्यारे, कभी खुशी कभी गम, धूम 2 जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम करके इंडस्ट्री को एक अलग ही पहचान दिलाई थी। लेकिन इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है, लगातार सोशल मीडिया पे वायरल होती जा रही है। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है, तो आइए जानते हैं पूरी जानकारी वीडियो के अंतर्गत। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। 48 वर्षीय ऋतिक रोशन का निधन हो गया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सोशल मीडिया पे लगातार वायरल होते जा रही है कि ऋतिक रोशन का निधन हो गया। बताया जा रहा है पिछले कई दिनों से वो हॉस्पिटलाइज थे। बताया जा रहा है कि इनका कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया था, जिसकी वजह से कई दिनों से आइसोलेट भी थे और वो अपनी बीमारी से नहीं लड़ पाए और ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस ली। डॉक्टरों के द्वारा ये कहना है कि उन्होंने आखिरी सांस छोड़ दी। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें, इसकी पुष्टिकरण अभी तक ना ही उनकी फैमिली की तरफ से आई है और ना ही कोई बड़े सेलिब्रिटी की तरफ से ऑफिशियली अपडेट आई है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि ये झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो दोस्तों आप भी ऋतिक रोशन के फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी खबरों को लगातार जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई। इस बात की कितनी सच्चाई इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता, ना ही किसी भी तरीके का अफवाह को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। हमें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।